सब्सक्राइब कीजिए हमारे ओपन माइंड चैनल को और प्रेस कीजिए इस बेल को, जिससे आप देख पाए न्यू वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे खाद्य श्रृंखला क्या होती है। खाद्य श्रृंखला को हम इस रूप में परिभाषित कर सकते हैं कि किसी परितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता तक खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला दो प्रकार की होती है, चारण खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। चारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण हम देखें तो पहले घास होती है, घास को बकरी खाती है और इस बकरी को मनुष्य खाता है। तो इस तरह से पहले उत्पादक आता है, फिर प्राथमिक उपभोक्ता और उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता। इस प्रकार के खाद्य श्रृंखला हरे पादपों अर्थात उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होते हैं। यह खाद्य श्रृंखला सौर ऊर्जा पर आधारित होती है। एक घास वन परितंत्र की खाद्य श्रृंखला निम्न प्रकार से है। पहले घास, उसके बाद उसे एक टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को एक मोर। इस प्रकार ये उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता और उसके बाद आता है चतुर्थ उपभोक्ता। खाद्य श्रृंखला का दूसरा प्रकार है अपरद खाद्य श्रृंखला। यह खाद्य श्रृंखला मृत पादपों में जंतुओं के मृत अवशेष अर्थात अपरद से शुरू होकर छोटे उपभोक्ताओं की ओर अग्रसर होती है। मृत जीवों के कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने के कारण इन छोटे उपभोक्ताओं या अपघटन को मृत कोशी पूर्ति जीवी के नाम से जाना जाता है। यह खाद्य श्रृंखलाएं छोटी होती है। मृत जंतुओं या पादप अवशेष या अपरद, जिसे केंचुआ खाता है, केंचुए को मेढक और मेढक को सांप खाता है और सांप को फिर मोर खाता है। इस तरह से एक और टर्म आता है जिसे हम कहते हैं खाद्य जाल या फूड नेट। अनेक खाद्य श्रृंखलाएं भोजन के लिए आपस में जटिल रूप से एक जाल का निर्माण करती है, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जैसे अपरद खाद्य श्रृंखला के कुछ जीव चारण खाद्य श्रृंखला के पशुओं के शिकार बन जाते हैं। अन्य उदाहरण में जैसे एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में कुछ जीव जैसे कॉकरोच व कांचे सर्वभक्षी होते हैं, अतः इनकी खाद्य श्रृंखला बनाना असंभव होता है। खाद्य श्रृंखला के उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के विभिन्न स्तरों को पोषण स्तर कहते हैं। अब हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक या कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। यहाँ पर कुछ अजैविक घटक होते हैं, जैसे ताप, प्रकाश, जलवायु, वर्षा, वातावरणीय गैसें, खनिज इत्यादि, और इसके कुछ जैविक घटक भी होते हैं, जैसे उत्पादक पादप सौर ऊर्जा ग्रहण करके खाद्य पदार्थ निर्मित करते हैं, अतः उत्पादक कहलाते हैं, और उपभोक्ता वह प्राणी जो पादपों से आहार पूर्ति करते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ताओं से द्वितीयक उपभोक्ता या मांसाहारी आहार पूर्ति करते हैं। अब सबसे अंत में आता है तृतीयक उपभोक्ता या सर्वोच्च मांसाहारी, जो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाकर आहार पूर्ति करते हैं। तो ये था खाद्य श्रृंखला या फूड चेन के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी। न्यू अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दिए गए लिंक्स को क्लिक कीजिए और हमारे वीडियोस को एंजॉय करते रहिए।